स्वागत है आपका लाइव 24 में। डॉक्टर निर्मल ने दिया बयान, भाजपा दे रही है दलितों को राजनीतिक भागीदारी, मायावती ने किया दलित एक्ट को कमजोर, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद ने बसपा सुप्रीमो पर लगाए गंभीर आरोप। डॉक्टर निर्मल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को सबसे पहले मायावती ने कमजोर किया, मायावती ने ही अपनी सरकार में तत्काल केस दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी थी। ऐसे में उनका यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है दलितों का अपमान है, मायावती दलितों की ठेकेदार बनना चाहती है, मायावती की वजह से ही SC ST एक्ट सबसे पहले कमजोर हुआ, अनुसूचित जाति को संरक्षण देने वाले कानून पर पहला संस्थानिक हमला मायावती ने किया, उन्होंने सबसे पहले वर्ष 2007 में SC ST एक्ट को प्रभावी करते हुए यह आदेश करवाया था कि यदि दलित महिला के साथ बलात्कार भी हो तो भी बिना मेडिकल रिपोर्ट के FIR न दर्ज कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में पहली बार अनुसूचित जातियों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया है। एक दलित महिला बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया है। सत्यदेव नारायण आर्य जो बिहार के एक सामान्य अनुसूचित जाति के परिवार के हैं उनको हरियाणा का राज्यपाल बनाया है। कांता कर्दम जी को राज्यसभा में भेजा है, राम सकल जी को राज्यसभा में भेजा है, विद्यासागर सोमकर को विधान परिषद में भेजा है और इसके अलावा पहली बार आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 10 लाख रुपए से लेकर की 1 करोड़ की योजना आई है दलितों को उद्योगपति बनाने के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना आई है। और पहली बार ये जो हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना है उसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के दलितों को जिसमें हम 20,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की योजना संचालित कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं जो कि सपा बसपा की सरकारों ने नहीं किया। देखिए ये जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है वह दलितों का सुरक्षा कवच है और यह कवच हटा कि दलित उत्पीड़न की बाढ़ आएगी, इसलिए यह बहुत आवश्यक है। भारतीय संसद सर्वोपरि है, उसने इस चीज को समझा, नरेंद्र मोदी जी ने दलितों के दर्द को समझा और आवश्यकता समझी पार्लियामेंट ने और ये संशोधन हुआ है जिसका पूरे देश के दलित राहत की सांस ले रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि यह एक्ट 1989 से चला आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि यदि कोई गलत प्राथमिकी दर्ज करेगा, यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको सजा होगी IPC एक्ट के तहत, IPC के तहत, और उसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक जेल की व्यवस्था है। ये थी लखनऊ से ब्यूरो चीफ किशन सिंह की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव 24।